योगी की गर्मी निकलेगी अब। उन्होंने अतीक की निकाली है ना, देश की 135 करोड़ जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या योगी की गर्मी निकालेगी। जितने भी ठंड, अरे योगी जी को ठंडा करेंगे भैया। योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को मारना चाहते हैं आए दिन मुसलमानों के। अरे मुसलमानों से कौन सी दुश्मनी है बाबा, कौन सी दुश्मनी है बताओ ना, कौन सी दुश्मनी है भैया। अतीक को मार देते हो, अशरफ को मार देते हो, उनके बेटे को मार देते हो, उनके घर वाले को ढूंढ रहे हो। ये आज संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है ये योगी आदित्यनाथ की वजह से हो रही है। अरे महाराज कुल गुंडा मौलिया बैठ गए हैं, और गुंडा मौलियों का काम क्या होता है कि अब हम सिंहासन पे बैठ गए तो दूसरा गुंडा लाया जाए। माफिया वो लोग थे जो आज उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे बैठे हैं। माफिया वो लोग हैं जो सदन के अंदर कहते हैं मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माफिया तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के इंकाउंटर कर देते हैं। यदि कैमर अमर रहे तो आपके पेट में दिक्कत हो रही है। आपने कभी संघियों का इंटरव्यू करा? आपने संघियों से कभी पूछा कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया? उस पर आपको दिक्कत नहीं होती? उस योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की मां बहन कर दी है, तो भैया हम तो उनको बदनाम करेंगे ही करेंगे। जश्न मनाने वाले कौन लोग हैं पहले ये तो विषय होना चाहिए कि कौन लोग हैं। वो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे बैन नहीं लगेगा तब तक ये नारेबाजी होती रहेगी। और ये भैया राम के नाम पे मारा जा रहा है, कल देखना कि कुछ लोग जब होंगे अल्लाह के नाम पे मार देंगे, कुछ वाहेगुरु जी के नाम। अरे महाराज कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक? ये आज संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है ये योगी आदित्यनाथ की वजह से हो रही है। अरे महाराज कुल गुंडा मौलिया बैठ गए हैं, और गुंडा मौलियों का काम क्या होता है कि अब हम सिंहासन पे बैठ गए तो दूसरा गुंडा लाया जाए। क्योंकि जब होता नहीं कि फिल्मों में एक गुंडा मर जाता है तो दूसरा गुंडा जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार सब योगी आदित्यनाथ के अंदर का जो जमीर था वो मर गया। वो मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को मारना चाहते हैं आए दिन मुसलमानों के। अरे मुसलमानों से कौन सी दुश्मनी है बाबा, कौन सी दुश्मनी है बताओ ना, कौन सी दुश्मनी है भैया। अतीक को मार देते हो, अशरफ को मार देते हो, उनके बेटे को मार देते हो, उनके घर वाले को ढूंढ रहे हो। काहे महाराज कार्तिक क्या तुम्हारे गुफा लगते हैं? अरे सांसद थे, विधायक थे, हमारे उत्तर प्रदेश से थे भैया। अब चाचा फूफा होंगे आपके, होंगे क्या रिश्ते में आते हैं वो आपके होंगे। योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे और गर्मी निकाल दिया। योगी की गर्मी निकलेगी अब। उन्होंने अतीक की निकाली है ना, देश की 135 करोड़ जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या योगी की गर्मी निकालेगी। जितने भी ठंड, अरे योगी जी को ठंडा करेंगे भैया हम लोग। योगी को तबीयत से ठंडा करेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही आग उगलते रहेंगे। अगर ये आग निकलती रही ना, ऐसे आग आती रही तो एक दिन पूरा उत्तर प्रदेश जल जाएगा, और उत्तर प्रदेश को हम जलते हुए नहीं देख सकते। धमकी दे रहे बाबा, धमकी वो अरे भेजिए जेल में, भेजिए भैया उत्तर प्रदेश से ही, भेजिए अयोध्या से, भेजिए जेल में। बाप के पास हिम्मत है इतनी? जिसने पहले ही धमकी दे दी मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भैया सभापति महोदय के सामने ही जब कह रहा था तब कहां मर गए थे आप लोग, तब नहीं धमकी थी? वो वध क्या है? वध किसका होता है? राक्षसों का वध होता है। अरे राक्षस थे वो, राक्षस राक्षस तो आप लोग हो जो उसको राक्षस मानते हैं। भगवान है आपके लिए। एक चीज बता रहा हूँ, मैं सांसद था, वो विधायक था, भाई उसने अच्छे काम किए ना, गलत था कोर्ट सजा देती, कोर्ट कहाँ थी? तो अच्छा तो आप भैया ए माफिया, ये तो पत्रकार ने आपका लाइसेंस का लाइसेंस दिखाई, आप भी तो माफिया की तरह ही आप भी दिख रहे हो, कभी आप भी इंकाउंटर हमारा ना कर दो। ए भैया ऐसे ही दस सुनिए, ऐसे ही दस पत्र सुनिए, ऐसे ही दस पत्रकार इंटरव्यू उसका कर रहे थे, तभी तीसरा निकल के गोली मार दिया। भैया हमें विश्वास नहीं है आप पे, दिखा दीजिए। माफिया वो लोग थे जो पत्रकार बन के आए थे। माफिया वो लोग थे जो आज उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे बैठे हैं। माफिया वो लोग हैं जो सदन के अंदर कहते हैं मिट्टी में मिला दिया जाएगा। माफिया तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के इंकाउंटर कर देते हैं। माफिया तो वो लोग हैं जो अभी भी अरे योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। अरे महाराज सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जाके पाव न रहा विवाहित एका जाने पीर पर आई, जब आपके घर में होगा ना ऐसे इंकाउंटर कर दिया जाएगा बेफजूल में, तब आपको पता चलेगा। पत्रकार महोदय बिहार में नारा लग रहा है अतीक अमर रहे, देखिए जाके रामचरित मानस प्रेमी हैं भैया अयोध्या से, उसमें लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे। अब कोई जय श्री राम का नारा लगा के मार देता है और उसने लगा दिया कि अतीक अहमद अमर रहे, तो आपके पेट में दिक्कत हो रही है। आपने कभी संघियों का इंटरव्यू करा? आपने संघियों से कभी पूछा कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया? उस पर आपको दिक्कत नहीं होती? उसने लगा दिया अतीक अहमद अमर रहे, उस पर आपको दिक्कत हो रही है। आखिर क्यों, आखिर क्यों पत्रकार महोदय, आखिर आपको मुसलमानों से दिक्कत क्यों है बताइए? गजनवी ने नारा लगाया है, गजनवी। मैं क्या करूं कि सब लगा दें एक साथ, सब लोग लगा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप भी लगाएंगे? पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे माफिया के लिए नारा लगाओगे। देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान से भी बदतर यहाँ पे कर दिया है। पाकिस्तान में मुसलमान पाकिस्तानी बुलवा रहा है आपको। अच्छा पाकिस्तानी बुलवा रहे हैं भैया? पाकिस्तानी हो आप? पाकिस्तानी हो? हमको पाकिस्तानी कह रहे? आप प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे? प्रमाण पत्र दोगे?
प्रमाण पत्र दोगे। फंडिंग किसकी आती है सबको मालूम है, सबको हमको मालूम है आपकी हकीकत। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए आप लोग ये सब बोल, योगी आदित्यनाथ ने संविधान को बदनाम कर दिया है, योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की माँ बहन कर दी है, तो भैया हम तो उनको बदनाम करेंगे ही करेंगे। हैं बोलिए, योगी जी से सवाल आपने पूछा, भाजपा के सुनिए क्यों रही है सामने, क्यों नहीं आ रही है? अरे भैया सामने जिस दिन आ जाएगी ना ये लोग मार देंगे, और ऐसे ही पत्रकार लोग मार देंगे चार। अरे मैडम काहे भाग रही थी, अरे मैडम क्या हुआ था, और तीसरा पत्रकार निकलेगा पोज देगा, पोज ये रहेगी। बुलडोजर राज है, बुलडोजर परवीन की जान को खतरा है, बिल्कुल जान को खतरा है उसको, तो भैया मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी देनी चाहिए शाइस्ता परवीन, बिल्कुल इनाम रख दिया है, इनाम ये यही करेंगे भैया, इनाम रख देंगे जी, मारू ढूंढ के लाओ मार देंगे, गला काट के लाओ, ये इनाम। ये तो उत्तर प्रदेश में चलता रहता है, पठान मूवी के समय पे आपने देखा होगा कि शाहरुख खान का गर्दन काटने वाले को इतना इनाम, उसका क्या नाम स्वामी प्रसाद की जवान काटने वाले को इतना, ये तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और ये अच्छा अपना गैंग बना रही है, आपने कौन सी गैंग बनाई है आज तक, कौन सी गैंग बनाई, गिनो गैंग अपना, दो चार नाम बताओ कौन सा गैंग बना है। पत्रकार इज्जत कीजिए, पत्रकारों की भी तो गैंग है, तकलीफ हो गई सवाल पूछ लिया। नहीं नहीं कौन सी गैंग बना रही है, एक महिला है भैया, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिला सुरक्षित करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, महिलाओं की इज्जत करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन्हीं को खदेड़ रहे हैं, उन्हीं को दौड़ा रहे, ये गलत है। बुलडोजर चलेगा छातियों पे, छातियों पे तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये बुलडोजर नीति बंद नहीं की ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे आवास है ना दिल्ली में, यहाँ पे भी चलेगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज पे तो